साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, सोशल मीडिया में भी ताकत होती है। आपने टीवी में कोई न्यूज आती है, हम देखते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई बड़ाई की कोई बात नहीं है। आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था दुबई से रिलेटेड, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, उसको लगभग 25,000 के करीब लोगों ने देखा है। हालांकि ये वीडियो इतना लोग नहीं देखते, लोग फंसे हुए हैं। मैंने डाला भाई दुबई में लोग फंसे हुए हैं, लोग क्यों देखेंगे, किन को क्या मतलब है। जो फंसे हुए नहीं है, जिनको टेंशन नहीं है, वो नहीं देखते उन वीडियो को। और जो फालतू की वीडियो ना, वो पहुँच जाते हैं मिलियंस में। और जो लोग फंसे हुए थे 30-40, लेकिन उनको लोगों ने देखा तक नहीं, ज़रूरत ही नहीं है समझने की, देखने की। लेकिन फिर भी जिन्होंने देखा, और सबसे ज़्यादा फेसबुक पे देखा भाई, काफ़ी सारे लोगों ने शेयर भी किया, लगभग 3,000-3,500 लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि भाई दुबई में इंडिया के राजस्थान के कुछ 30-35 आदमी फंसे हुए हैं, लगभग 8-9 महीने से नहीं तनख्वाह है, नहीं कोई खाना पीना है, नहीं उनके पासपोर्ट है, मेन बात थी। और जो कंपनी का रबाब है वो जेल में है, तो सैलरी की तो दूर की बात है। ये बढ़ने से साथियों, वीडियो देखने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें भाई, ताकि हर रोज़ विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम बात कर रहे हैं साथियों, मैंने एक वीडियो आपको डाला था और आपने देखा भी था, आप लोगों ने उनको शेयर भी किया था। अभी उनमें जिस भाई ने मुझे वो जो वीडियो डाला था, जो मुझे ये बातें बताई, तो मैंने वो वीडियो मेरी तरफ से बना के डाला था, आपने सबने देखा था। उसका रिएक्शन वो पहुंच गया एम्बेसी तक। अब कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस भाई ने बताया, रात को इसका मैसेज आता है लगभग 12 बजे के करीब, बोला सर धन्यवाद, मैंने आपका आपने हमारा सपोर्ट किया, वीडियो बना के डाला, और वो वीडियो की वजह से हमारे पास एम्बेसी से खुद से चला के फ़ोन आया। ये उनकी ज़बानी है, स्क्रीनशॉट है साथ में, आप देख लीजिए। और उन्होंने हमारा काम करवाया, कंपनी की तरफ से भी उन्होंने बात करी, कुछ भी हो कंपनी को कुछ भी बोला, सबको पासपोर्ट दिलवाए और हमें हमारा पासपोर्ट मिल गया और मैं आज इंडिया आ गया। जी हाँ साथियों, वीडियो डालने के बाद 10 दिन के अंदर बंदा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँच गया और जयपुर एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे मैसेज किया। इसमें देखिए क्या लिखा है, आप इनकी वॉइस भी है साथ में, 21 सेकंड की है, लेकिन वॉइस सुनाना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। साजिद नाम है इनका, राजस्थान झुंझुनू से हैं। आपका धन्यवाद सर जी, मैं साजिद आज जयपुर पहुंच गया हूं, आपके वीडियो से मुझे एम्बेसी से कॉल आ गया था, आज का मेरा फ्लाइट था, एम्बेसी ने कंपनी को भी टाइट किया, शुक्रिया सर। बहुत अच्छी बात है भाई कि कुछ अगर मैं तो बार बार बोलता हूं भाई, अगर हमारे वीडियो से 2 लोगों को भी फ़ायदा होता है, 5 लोगों को भी फ़ायदा होता है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं भाई, शेयर करते रहिए, शेयर करने से कोई पैसा नहीं लगता भाई। आप खासतौर से फेसबुक वाले, उनको फेसबुक पे तो बहुत आसान तरीके से शेयर हो जाता है, फिर यूट्यूब पे तो फिर भी आसान नहीं होता इतना, क्योंकि व्हाट्सअप पे भी आजकल भाई एक से ज़्यादा आप ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते, फेसबुक पे तो जितने मर्जी कर दो। तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा फेसबुक पे वायरल भी होते हैं और शेयर भी ज़्यादा होते हैं। हमारे वीडियो से इन लोगों को फ़ायदा हुआ, ये राजस्थान पहुँच चुके हैं, अभी 7 दिन के क्वारंटाइन के लिए चले गए, 7 दिन बाद ये अपने घर पहुँच जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, सोशल मीडिया में आप लोगों का धन्यवाद, हमने वीडियो बना कर डाला और आगे भी इसी तरह से डालते रहेंगे, ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।